खबर रीवा जिले से है, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात घटित हुई है। आरोपी लंबे समय से धमकी देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। एक वर्ष पहले ही पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, लेकिन आरोपी जेल से छूटने के बाद पुनः किशोरी को हवस का शिकार बना डाला। बार बार दुष्कर्म की घटना से पीड़िता ने परेशान होकर घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे और पुनः आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दर्शन के लिए मंदिर पहुंची किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अनुराग तिवारी निवासी खटकरी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी पीड़िता को किसी से घटना के संबंध में बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था, जिसके चलते किशोरी प्रताड़ना सहती रही और जब आरोपी अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो शिकायत दर्ज कराई है।